पुरुष में बांझपन होने से वह पत्नी को गर्भधारण नहीं करा सकता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वीर्य में अनुवांशिक प्रभाव से दोष या कमी होना, इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होना, शुक्राणुओं का बिल्कुल भी ना होना या पर्याप्त मात्रा में ना होना आदि आदि। तो गर्भधारण के लिए पुरुष के वीर्य में उपयुक्त दोष नहीं होना चाहिए और प्रति मिलीलीटर वीर्य में कम से कम 6 करोड़ मतलब 60 मिलियन शुक्राणु होना चाहिए। इनमें लगभग 80% जो शुक्राणु हैं सामान्य और स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शुक्राणुओं को इससे कम प्रतिशत हुआ तो गर्भ में स्थापना नहीं हो पाएगी। इसे ही बंधत्व या बांझपन कहा जाता है। जैसे स्त्रियों में बांझपन पाया जाता है, वैसे ही बांझपन पुरुषों में होता है। जब गलतियां खामी पुरुषों में होता है तो पुरुषों का बांझपन होता है, जब वही कमियां स्त्री में होते हैं तो स्त्री का बांझपन कहा जाता है। बंधत्व या बांझपन को दूर करने के लक्षणों के अनुसार सेवन योग्य दवाइयों की जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। लक्षणों के अनुसार दवा चुनकर लाभ न होने तक सेवन करें। लाभ की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 मास तक दवा लेकर अपने वीर्य की जांच कराएं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप स्वस्थ हुए हैं कि नहीं। तो अब ये सब होम्योपैथिक चिकित्सा की बात बता रहा हूँ, मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बात बता रहा हूँ बांझपन की चिकित्सा के लिए। तो आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी चाहते हैं बांझपन दूर करने वाली, तो आप इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार मेरी हर आने वाली खास जानकारी वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो सबसे पहली बात तो मैंने और वीडियो में बताया हुआ है कि आपको इसमें गोलियों को हाथ नहीं लगानी, हाथ में लेकर नहीं खानी, इसको पेपर में रख कर खाया जाता है, हाथों का टच नहीं करना होता है। दूसरा, इसमें दवाइयों को जब भी आप इस्तेमाल करें तो इस दवाइयों को लेने के 1 घंटे बाद, पहले तक कुछ नहीं खाना है, 1 घंटे बाद ही आपको खाना शुरू करना है, मतलब 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद में कुछ, बीच में कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। इतना आपको पालन करना पड़ेगा और इसको पालन करते हुए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तब ये दवाइयाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ फ़ायदा करती है, अन्यथा नहीं करती। तो आप इन नियमों का पालन करें। और लक्षण की बात कर रहा हूँ, इसमें हर लक्षण, हर व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर दवाई निर्धारित होता है, ठीक है। एक ही दवाई दूसरे व्यक्ति को और एक व्यक्ति को फ़ायदा हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उनके लक्षण अलग होते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का लक्षण अलग होता है। इसलिए जो लक्षण आपके मिलते हैं, जिसमें अधिक से अधिक लक्षण मिलता है, वही दवाई आपको चुनाव करनी है, उसी का सेवन आपको करना है। तो लक्षण और मेडिसिन के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। हर दवाई की अलग अलग लक्षण है, तो क्या है, तो किन लक्षणों पर कौन सी दवाई इस्तेमाल आपको करनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं कि वो दवाइयाँ क्या क्या है और लक्षण क्या क्या है। पहला है सल्फर। लक्षण इसका इस प्रकार है, जिन लोगों में इस प्रकार के लक्षण जो बताने जा रहा हूँ ये है, तो उनको ये सल्फर की जो मेडिसिन है वो लेनी चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड से निरंतर स्राव होने से जननेन्द्रिय से चिकना पानी निकलता है या निकलता रहता है, जिसे कई युवक धात या जो वीर्य का जाना समझते हैं। तो सहवास करते समय स्नायुओं में बहुत कमजोरी मालूम देती हो और वीर्य में शुक्रकीट की मात्रा औसत से कम होना आदि लक्षणों पर सल्फर 30 लेना चाहिए। दूसरा मेडिसिन है कोणायाम। लक्षण इस प्रकार है, रोगी में कामोत्तेजना का सर्वथा अभाव यानी नपुंसकता हो और साथ में शुक्राणुओं की संख्या आवश्यक औसत संख्या से कम होना आदि लक्षणों पर कोणायाम 200 इसका 200 की मात्रा में सेवन करना चाहिए। तीसरा है स्टिग्निनम, ठीक है, शुक्राणुओं में कमी होना, अंडकोशों में सिकुड़न आ जाना और रोगी का अति कामुक प्रकृति का होने से हमेशा कामुक विचार चिंतन करते रहना आदि लक्षणों पर स्ट्रेकिनम 30 की शक्ति की मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद अगला मेडिसिन है चिनिमम सल्फ। लंबे समय तक किसी भी कारण या परिस्थितिवश सहवास न करने से ब्रह्मचर्य जन्य नपुंसकता हो जाती है। वीर्य निर्माण की प्रक्रिया में असामान्यता, वीर्य में शुक्राणु निर्माण में व्यवधान होने से शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाना आदि लक्षणों पर चिनिमम सल्फ 30 लेना चाहिए। अगला मेडिसिन है डेमियाना क्यू। चाह कर भी सहवास न कर पाना, लिंग में समुचित उत्थान व कठोरता न होना, शीघ्र पतन होना, प्रोस्टेट ग्लैंड की समास जो समस्या है आदि लक्षणों पर डेमियाना क्यू मदर टिंचर की 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगला मेडिसिन है एसिड फॉस। लक्षण इस प्रकार है, अंडकोशों का ढीला पड़ जाना, जननेन्द्रिय का ढीला होकर लटक जाना, जरा सी उत्तेजना से ही वीर्यपात हो जाना और सोते हुए अकारण वीर्य निकल जाना आदि लक्षणों पर एसिड फॉस 3x मतलब 3 गुने की मात्रा में 33x की मात्रा में लेना है आपको। अगला मेडिसिन है प्लेटिना। लक्षण इस प्रकार है, युवावस्था में सहवास में अति करने से परिणाम स्वरूप 30 से 40 वर्ष की आयु में लिंग में समुचित उत्थान व कठोरता न होना, वीर्य में शुक्रकिट या शुक्राणुओं की कमी होना आदि लक्षणों पर प्लेटिना 6 लेना चाहिए। अगला मेडिसिन है केंथारिस। सुजाक रोग से पीड़ित बूंद बूंद कर जलन के साथ पेशाब होना, लिंग में जलन होना आदि कारणों से गर्भधारण न कर पाना जैसे लक्षणों पर केंथरिस 30 लेना चाहिए। अगला मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। वीर्य में शुक्राणुओं का न होना, अंडकोश में सूजन या कठोरता होना या पानी भर जाना जैसे लक्षणों पर ग्रेफाइटिस 30 लेना चाहिए। ठीक है, ये कुछ दवाइयां हैं जिससे आपकी जो पुरुषों का जो बांझपन है या शुक्राणुओं की जो कमी है या अल्प शुक्राणु होते हैं बिल्कुल नहीं भी होता है उनका इलाज इससे संभव है। अब सेवन विधि के बारे में एक बार फिर से आपको आगाह कर देता हूँ। 30 पोटेंसी दवा की 6-7 गोलियाँ दिन में 3 बार मुंह में डालकर चूसना चाहिए। दवा लेते समय मुंह खाली और साफ होना चाहिए। दवा लेने के आधा घंटा पहले से और दवा लेने के आधा घंटे बाद तक की अवधि में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। 200 पोटेंसी की दवा दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है आपको। 3-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए यदि आप इस दवाइयों का इस्तेमाल होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल करते हैं तो आप इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल आएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठाकर फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।